साथ शेयर करूंगी एक सभी की मनपसंद रेसिपी जिसका नाम है शेजवान चाउमीन। चाउमीन तो आपने बहुत खाई होंगी, वेज चाउमीन और बहुत तरीके की, लेकिन आज जो चाउमीन मैं बनाने वाली हूँ एकदम सिंपल, इजी, क्विक और वो भी शेजवान चाउमीन। शेजवान चाउमीन बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है चिंग्स का हक्का नूडल्स। चिंग्स के हक्का नूडल बहुत ही बढ़िया बनती है बॉयल होने के बाद, एकदम खिली खिली, बिल्कुल चिपकती नहीं है। तो मैंने यहाँ चिंग्स के हक्का नूडल ली है, तो हमें पहले नूडल को बॉइल करना होगा। तो सबसे पहले हम गैस पर एक पैन या कढ़ाई में 10 कप पानी लेंगे। और ये देखिए पानी में आपको बबल्स दिख रहे होंगे, पानी काफी अच्छा गर्म हो गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं नूडल्स और लगभग 2 से 3 मिनट के लिए हमें नूडल को उबालना होगा। उससे ज्यादा हम बिल्कुल नहीं उबालेंगे, नूडल को हमें थोड़ा सा कच्चा ही रखना है जिससे ये चिपके नहीं और बिल्कुल बढ़िया बने। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमें इससे ज्यादा नूडल्स को बॉईल बिल्कुल नहीं करना है वरना ये चिपकने लगेंगी। तो मैं गैस को ऑफ करती हूँ और नूडल्स को छान लेते हैं। छलनी की मदद से हम नूडल को छान लेंगे। अब इस पे हम डालेंगे ठंडा पानी, नॉर्मल वाटर, और इसको ठंडे पानी से एक बार धो लेंगे, इससे ये बिल्कुल खिली खिली बनती हैं। अब इसमें से पूरा पानी हम इसका ड्रिप होने देंगे, यानी पूरा पानी हम निकलने देंगे। जब पानी पूरा निकल जाएगा तब इसको हम एक प्लेट पर फैलाएंगे। पानी ठंडे से मतलब यहाँ ये है कि मैंने सादा पानी लिया है इसको धोने के लिए। तो पानी सारा निकल गया है और अब इस पर हम डालेंगे कुछ बूंद ऑयल की, आधा छोटी चम्मच के करीब, और अच्छी तरीके से इसको ऑयल को इसके साथ मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा ड्रॉप्स ऑयल डाल करके मैंने इस तरीके से प्लेट पर फैला दिया है और ये देखिए नूडल्स बिल्कुल चिपकी नहीं है, एकदम बढ़िया तैयार है। तो चलिए बनाते हैं शेजवान चाउमीन। अब हम गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे, गैस ऑन करेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल। ऑयल में से हीट आ रही है, हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे और अब इसमें हम डालेंगे 2 कप अपने मन की वेजीज। तो मैंने यहाँ डाली है चॉप अनियन, आप चॉप करी हुई अपने मन की कोई भी वेजीज यूज कर सकते हैं। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ चॉप्ड कैप्सिकम शिमला मिर्च, चॉप्ड कैरेट यानी गाजर, चॉप्ड कैबेज, पत्ता गोभी। मैंने यहाँ टोटल 2 कप के करीब वेजीज ली हैं। आप अपने मन की कोई भी वेजीज इसमें ऐड कर सकते हैं, आप बीन्स भी डाल सकते हैं और उनको इसी तरीके से लंबा लंबा कट कर ले। और लगभग 1 से 2 मिनट तक हम इसको स्टर करेंगे, कुक करेंगे, सिर्फ 1 से 2 मिनट, क्योंकि चाउमीन में वेजीज थोड़ी सी क्रंची बढ़िया लगती है। लगभग 1 से 2 मिनट मैंने इसको कुक कर लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हमारी चिंग्स वेज बॉइल्ड हक्का नूडल जो अभी हमने तैयार की थी। आज की जो ये रेसिपी है इसकी खास बात ये होने वाली है कि हम बहुत ही जल्दी और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल शेजवान चाउमीन बनाएंगे और बगैर कोई सॉस और स्पाइसेस यूज किए। मैं आपको इसका सीक्रेट बताऊंगी। और अब हम इसको एक बार टॉस कर लेते हैं वेजीज के साथ। तो आज की शेजवान चाउमीन में हम ना नमक उठाएंगे, ना ही कोई स्पाइसेस और ना ही सॉस। मैं लेने वाली हूँ चिंग्स सीक्रेट की शेजवान चटनी, बहुत ही सुपर यमी। इस एक चटनी से हमारी फटाफट तैयार होगी शेजवान चाउमीन। और ये चटनी आप यूज कर सकते हैं बहुत सारी डिशेस में, जैसे पराठे में या राइस में या वड़ा बनाने में, बहुत सारी चीजों में, सैंडविचेस में, बर्गर में, डोसे में, आप किसी में भी शेजवान चटनी का यूज कर सकते हैं। तो मैं लूंगी चिंग्स की शेजवान चटनी 2 to 3 टेबल स्पून, 2 से 3 चम्मच बड़ी इसमें डालेंगे चटनी के। और अब हम नूडल्स को टॉस कर देंगे। अच्छी तरीके से चटनी को नूडल के साथ मिक्स करेंगे 2 मिनट के लिए और इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। और ये देखिए बिल्कुल तैयार है हमारी शेजवान चाउमीन, बगैर किसी स्पाइसेस के, बगैर नमक के और बगैर कोई सॉस यूज किए हुए। सिर्फ एक ही चीजों से झटपट हमारी शेजवान चाउमीन रेस्टोरेंट स्टाइल तैयार हो गई। तो मैं गैस को करती हूँ ऑफ और इसको हम गार्निश कर देते हैं थोड़े से ग्रीन स्प्रिंग अनियन से यानी हरे प्याज से, और इसको करते हैं सर्व। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारी शेजवान चाउमीन।
देसी चाइनीज, चिंग्स चाइनीज और शेजवान चाउमीन का स्वाद दुगना करने के लिए मैं यहाँ इसको सर्व कर रही हूँ चिंग्स सीक्रेट शेजवान चटनी के साथ, बहुत ही यमी, जो इसका स्वाद कर देगी डबल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमेशा की तरह लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में बने बेल बटन को जरूर प्रेस करें, इससे कल का वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं।